Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, now our next question is question number 6. Identify the acid and the base whose combination forms common salt that you use in your food. Write the common formula and chemical name of this salt. Name the source from where it is obtained. आपको ये बताना है जो आप खाने में salt use करते हो उसका name क्या है, chemical formula क्या है, chemical name क्या है और उसे कैसे हम extract करते हैं. तो सबसे पहले तो salt that is used in food is known as table salt or common salt. उसे हम क्या बोलते हैं? Table salt या फिर common salt. Its chemical name is sodium chloride and chemical formula is NaCl. It can be obtained by neutralization reaction of sodium hydroxide that is a base and hydrochloric acid that is acid. और जब भी कोई base और acid react करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? Salt. कौन सा salt बनेगा यहाँ पे? NaCl. Plus water. Commonly, common salt is usually obtained from seawater. और वो कहाँ से obtain होता है? Seawater से. Now next is what is rock salt? Rock salt क्या है? Mention its color and the reason due to which it has this color. Rock salt is an ore of sodium. Ore of sodium means कि सबसे ज़्यादा quantity में sodium उसी में है और उसी से ही हम sodium metal को extract करते हैं. किससे? Rock salt से. It is slightly colorless. This color of NaCl is due to water of crystallization. थोड़ा बहुत हल्का सा color होता है उस crystal में, rock salt में. वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स से क्रिस्टलाइज करते हैं, इस वजह से वो कलर इम्पार्ट करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज स्लेकिंग ऑफ लाइम स्टैंड फॉर. स्लेकिंग ऑफ लाइम का मतलब क्या है? व्हाई इज देयर अ हिजिंग साउंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और जब ये प्रोसेस होता है इसमें एक हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, वो क्यों होती है? Write the chemical equation for the reaction involved. और इससे involved जो होती है reaction आपको वो बतानी है. तो सबसे पहले slaked lime बनता कैसे है? Slaking of lime is defined as a process of adding water to quick lime. जब हम quick lime में water को add करते हैं, which results in the formation of calcium hydroxide. अब आपका calcium oxide क्या है? Quick lime. Quick lime means CaO. This is your quick lime. या आप इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हो, जो इसका केमिकल फॉर्मूला है. उसमें आपने वाटर को ऐड किया, उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? स्लेक्ड लाइम. और अगर हम केमिकली देखें तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और ये किस लिए यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए. जब भी स्लेक्ड लाइम में से आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे वो कैसे कलर में चेंज हो जाएगी? मिल्की में. So, a large amount of heat and energy is released. जब आपने क्विक लाइम में वाटर को ऐड किया है, आपका क्या बना है? स्लेक लाइम. स्लेक लाइम के साथ साथ उस रिएक्शन में से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. मतलब वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हिजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड. और ये जो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई है, इस हीट की वजह से कैसी साउंड आती है? हिजिंग. ठीक है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब आप स्लेक लाइम को प्रिपेयर करते हो उसमें से हिजिंग साउंड क्यों आती है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. और वो एनर्जी कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है? हिजिंग साउंड.